यूट्यूब और टिकटॉक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको पता ही है, और लेकिन सारे चीज़ें नॉर्मली सेटल हो चुकी हैं, टिकटॉक ही चला गया, सेटल तो टिकटॉक हो चला गया, गया। लेकिन वापस आ सकते हैं अब, चल रही है बातें। तो भैया गरीब भाई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इस वीडियो पे, इस चीज़ के ऊपर, यूट्यूब और टिकटॉक में, तो उन्होंने इस वीडियो में बताया। और जब गरीब लड़का बताता है गरीब का हर तो तगड़े वीडियो पे ज्यादा तगड़ा ही पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, होता तो इस है। वीडियो में खतरनाक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। साथ में इंजॉय करेंगे, और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, इसको दिल पे ना लें, है ना, और कान मैंडेट में पे ईयरफोन लगा लो, क्योंकि गरीब जब करता है ना बचकानी हरकतें, तो भैया बहुत डिफरेंट। गरीब भाई को सब्सक्राइब ठोक के, भाई की वीडियो भी शायद से जल्दी आई जाए इस हाँ। चैनल पे, और हमारे चैनल पे लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस कंटेंट आप सजेस्ट करते हैं जिन पर हम रिएक्शन दें, और हमारा गेमिंग चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यस। शुरू कर दूँ, और कुछ कहना चाहते हो टाइमिंग कौन बताएगा गेमिंग की? बताइए, आप बताइए। रात को 10 बजे डेली एक्सेप्ट संडे। संडे नहीं समझ आते हैं, उस आया, दिन हम छुट्टी करते छुट्टी होटी वाली, हैं। यस। शुरू कर दें। चलो गाइस, रेडी सेट एंड दो गो। तो यार आज हम बात करेंगे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ड्रामा के बारे में। नहीं मतलब चाइना ने 2020 में तो कतई दिमाग का तो भोसड़ा कर रखा है। पहले ये करोना और फिर ये टिकटॉकर्स का रोना। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी तो यार वाह। फिजूल आई मीन फिजूल की बातें बंद करते हैं और सीधा वीडियो प्ले करते हैं। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दैट्स योर बॉय बादशाह, लाइव ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। तो कैसे हैं आप लोग? अरे अरे हमारा हाल पूछने से अच्छा अपना हाल बता, सब खैरियत? तो गान में गई टाके वाके तो नहीं लग गए यार? बेचारा तुम टिकटॉकर पे बहुत तरस आ रहा है यार, गलत टाइम पे खतरनाक गान मरवा लिया। बाहर जाओ तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे, ऑनलाइन आओ तो पब्लिक के डंडे। बेचारे करोगे क्या तुम? तो गाइज आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ। तो गाइज यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात। अच्छा तभी मैं सोचू ये गमछी क्यों लगा रखा है। अब इतनी ठुकाई देखेंगे तो गांड फटी के मारे पसीना तो निकलना बनता ही है। जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी। नहीं ऑनलाइन अपना टट्टी ओपिनियन रखने का सबसे सही तरीका है, उसे कम्युनिटी का नाम दे दो, फिर जनता ही आपस में लड़ती रहती है, तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और गाइज सेकंड पॉइंट है सीसी। सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग। हाँ चूतिया कंटेंट जो आप बनाते हो। कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए। वैसे कॉपीराइट की बात उठी है तो एक बात बता, अरिजीत तेरे चाचा का लौंडा है? हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकते हैं। डेटॉल रूपी टिकटॉक 99.9% तो तुम्हारा पूरा प्लेटफॉर्म यूट्यूब के गानों और डब से भरा पड़ा है। नहीं आज यूट्यूब चाहे तो पूरा का पूरा टिकटॉक अपनी बुंद में ले ले। यूट्यूब की बुंद, टिकटॉक टिकटॉक की बुंद, उसमें ये मतलब एक बुंद से निकल भी जाए तो दूसरे बुंद में लैंड करेगा। एक दूसरे को हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, प्यार करते चलो, मेरे को किसी से नफरत नहीं, हेट नहीं। बेटी जब इतना ही प्यार है तो पूरे कम्युनिटी या पूरे जनता के दिमाग में ये क्यों डाला तूने कि टिकटॉकर्स की एक अलग दुनिया, यूट्यूब की एक अलग दुनिया? नहीं फिर तो इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट इधर भी बंटवारा करी दो ना। देश तो ऐसे ही बटा पड़ा है, जात पात धर्म पता नहीं क्या क्या, ऑनलाइन भी बांट दो। और अगर किसी को मेरे से और ये बातों से प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मेरे को डीएम कर लेना, मैं आपको डीएम में समझा दूंगा बातें पर्सनली। मॉस्को की छपरी सुनना, तुझे किसी की वीडियो की दिक्कत हुई और तू इंस्टा पे आके हक दिया, अब किसी और को तेरी वीडियो से दिक्कत हो वो तेरे डीएम में हगे, क्यों बे? नहीं मतलब तुम्हें मरवाने का शौक के समझ में आता है? इतना गंदा गैंग बैंग, तौबा तौबा तौबा। आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। अल्ले बाबा इन टिकटॉकर्स के बीच में कितना प्यार है, देखो देखो प्यार तो देखो। बोसड़ी के इससे ज्यादा मर्दाना तो हमारी स्कूल की लड़कियां लड़ती थी। अरे भी यूट्यूबर्स है, इनके कंटेंट एकदम ढासू है, कतई जहर कंटेंट बनाते हैं यार इन लोग। कुछ भाईयात बातें और इनकी कुछ भाईयात सोच रहे, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ गरीब बहुत ही जहरी आदमी है, बहुत ही बेटे। अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियोस तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे। ऐसे चिकनी गांड अगर तुझे याद ना हो तो जब ये 2 मोहतरमा वायरल हुई थी ना तो पूरा टिकटॉक में लटका के मटका के झटका के ही चल रहा था। और सेम विद तेरा मेरा घाटा, दूसरों की गांड में उंगली डाल के सुनने से अच्छा खुद के गांड में डाल के सुनो ना। अब यही बात मैं तुमको एक लाफा मारूंगा। अरे भाई 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 हमारी गड़िया फट गई भैया। यूट्यूब और ऐसा टिकटॉक, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आठ चाहे जितना बड़ा हो जाए लाड़ के नीचे ही रहता है। आपकी माँ बहन की आप रिस्पेक्ट करते होगे तो किसी की माँ बहन को गाली नहीं दोगे, मैं बस यही बोलना चाहूंगा। मावशी ची गांड। मतलब ये सारे लोग अपनी माँ बहन की रिस्पेक्ट नहीं करते? अबे स्कूल में हो क्या अभी भी? टीचर टीचर इसने ना मेरे को माँ पे गाली दी। अबे बड़ा नहीं होता तो बड़े तो हो जाओ, क्या पता उसी बहाने वो भी बड़ा हो जाए। ऐसे गाली मत दो किसी की भी माँ बहन को। वाह मतलब भोसड़ी के गांडू चूतिया इन सबको तो कोई पूछता ही नहीं, उनके बारे में भी सोचो बे, उन्हें भी बुरा लगता होगा कभी कभी। इंशाल्लाह इसका जवाब रमजान बाद दूंगा और अलग तरीके से दूंगा, एकदम अलग तरीके से। यार एक बात
बताओ, हमने कभी कहा हमारे नवरात्रि चल रही है आज, मंगलवार है, चूतियों के मुंह नहीं लगते। तो ये बड़े लोग हैं, अगर हम लोग में से कोई छोटा क्रिएटर इनसे हेल्प मांगेगा ना तो ये लोग कभी मना नहीं करते। अच्छा ठीक है, पजलू भैया हमें भी सिखाओ ना मुजरा कैसे करते हैं। तो एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना चाहिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि डीमोटिवेट या ट्रोल या रोस्ट करना चाहिए। बेटी बात ऐसी है कि इज्जत कमाई जाती है, जो मांगी जाती है उसे भीख कहते हैं। बट यार पर्सनली अगेन मेरे को कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लव यू गाइज अ लॉट। एक सेकंड पहले बोलता लाफा मारूंगा, अब लव यू गाइज नो गिले सिकवे। अबे टिकटॉक का छोड़, अपने शब्दों का ही हो जा। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए। तो करना रोका किसने, लेकिन ये बातों की बकचोदी बंद करो बे। एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत, जो कि आप लोग नहीं कर। अबे ये सब तो ठीक है, पर बोलते बोलते कैमरे में काय को घुस रहा है, टिकटॉक थोड़ी ना बना रहा है। यार तू डंपर बोल रहा है किसी को, कतई जहर बातें कर रहा है तू। भाई का खून खोल गया सुनकर डंपर, भाई का खून खोल गया सुनकर डंपर, भाई की गांड बढ़ गई क्योंकि आ गया था करियर का बम्पर। मैं बोलूं मेरे को तेरी शक्ल नहीं पसंद आई, टट्टी जैसी शक्ल है तेरी, तो तेरे को बुरा लगेगा ना। यार ऐसा तो मेरे दोस्त रोज कहते हैं मुझे, इन बातों में बुरा मानना होता था क्या? फेंचू मुझे तो पता ही था, आमिर तेरी माँ की तो क्या बोलता था। हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारा काम है टू स्प्रेड पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी। किसने दिया ये काम तेरे को बे? अबे कौन है जो इस अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में ऐसे चूतिए जॉब ऐसे चूतिए लोगों को बांट रहा है बे? फैजू मंजुल को रोस्ट कर रहे हो। हाय किसकी याद दिला दी, मंजुल चाची कैसी हो, पिछले साल का सूजन गया कि नहीं गया अभी तक? यार इन लोग के ना कभी पास्ट में जाके देखो कि इन लोग क्या करते थे। अबे इंडियन आइडल चल रहा है क्या? हमारे घर में लाइट भी नहीं आती मैडम, हमारे घर में लाइट नहीं आती, पता है हम हैप्पी डेंट खा के लाइट करते हैं अपने घर में। भाई मजाक सेट के, सबका पास्ट होता है यहाँ, कोई अनन्या पांडे नहीं है मेरे भाई। तो यार आमिर भाई के इस वीडियो के बाद जितना भी रायता फैला ना, मुझे यकीन है आमिर भाई खुद से और सारे टिकटॉकर आमिर भाई से सिर्फ यही कह रहे होंगे। इतना ही कहूंगा कि टिकटॉकर था इसलिए जाने दिया, यूट्यूबर होता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों करता। तो बस यार इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इफ यू एंजॉयड द वीडियो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। और हाँ यार लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन को सुखद बनाने के लिए तीन चीजों से कृपया दूर रहिए, एक है चूतिया, दूसरा है कॉन्ट्रोवर्सी और तीसरा है कोरोना, प्लीज। भाई टू बी फ्रैंक यार कॉन्ट्रोवर्सी ज्यादा खिंच गई थी, बहुत ज्यादा खिंच गई थी, और टिकटॉक ने बहुत लोगों का करियर बनाया, बहुत लोग सक्सेसफुल हुए वहाँ से, बहुत लोगों को क्या बोलते हैं यार एक रोजी रोटी भी मिली है वहाँ से, हर एक चीज़ मिली है, बस कुछ कंटेंट खराब होने लग गया था वो था। तो इन जनरल हमें भी कोई टिकटॉक से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, सबको पॉइंट ऑफ व्यू होता है और कंट्रोवर्सी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी, नहीं तो एक फनी वे में ही चल रहा था यार। मतलब वहाँ पे डांस हो गया, जो डांस कुछ भी हो गया, जैसे नॉर्मली जब रोस्ट चल रहा था तो कोई अगर फनी वीडियो बना रहा था टिकटॉक पे तो उनका रोस्ट कर देते थे, जैसे हेलो गाइस आई एम सनी लियोनी, वैसे तो फनी वो यूं करके एकदम पूरा हाँ, वो थोड़ा सा क्या होता है मजाक में लेना चाहिए यार, थोड़ा सा सीरियस नहीं होना चाहिए, जैसे हम रिएक्शन देते हैं हमारा रोज कोई ना कोई मजाक उड़ा देता है हाँ। कि ये तो रिएक्शन दे रहे कुछ नहीं करते यार, थोड़ा सा हमें थोड़ा कूल रहना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन हो जाता है कई बार, अगर हमसे भी कोई बोलेगा तो शुरू में हमारा भी थोड़ा दिमाग खोलेगा कि यार ऐसे कैसे हमारी बेइज्जती कर दी, तो नॉर्मल है, चलो यार कोई नहीं, इस कॉन्ट्रोवर्सी को तो खत्म हो चुकी है। और अब साइमन सेज में भी आया था आमिर सिद्दीकी भाई, साइमन सेज की एक वीडियो आई थी अभी ट्रेंडिंग में भी गई थी, उसमें अमर सिद्दीकी ने कोलैब किया था साथ में, तो यार होपफुली ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए जल्दी से और दोबारा से ये लोग अपने काम पे लग जाए, मस्ती मजाक चलता रहे, लाइफ एंजॉय करते रहे, क्योंकि रोस्ट जो होता है यार मस्ती मजाक के लिए उसको दिल पे ना लें कभी भी, डिस्क्लेमर हमेशा देखा करें कि उसमें होता है कि जस्ट फॉर फन है ना, डोंट हेटरेड तो यार आदमी किसी में भी तू तड़ाक कर ऐसा कहते ओए तू तमीज में लाकर, इतनी बात में भी आदमी हेटरेड ले सकता है लेने को, तो और नॉर्मली ना चाहे तो किसी भी बात पे हेटरेड ना ले, तो सारा लॉजिक वहाँ आता है कि आप किसी कंटेंट को कैसे लेना चाहते हो, मानती है? नहीं तो ऐसे तो लोग ऐसे कहते हैं ओए पिक्चर में सलमान खान को मुक्का मारा उसने हाँ, चलो भाई मार जाएंगे भाई, वो कंटेंट है उसके ऊपर रोस्ट हो रहा है, कभी मूवी नहीं चलती कभी कोई तो उसके बारे में रोस्ट करते यार मूवी इसलिए चली, इसमें मजाक था ये था वो था, तो हंसी मजाक चलता रहता है, थोड़ा स्माइलिंग फेस बना लिया कलो कैमरा देख के दोस्त, आई एम स्माइलिंग है, ओहो आई एम स्माइलिंग है भैया जी, चल बात तो गाइस इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।